Saturday, my field is that mob. Faisal Tarbati sahab, aap log khush naseeb hain Chicago mein ki ek aisa concert journal jo adabi bhi hai, saqafati bhi hai, mohabbati bhi hai, kitne cheezon ka naam hai. I gul batu khursan dan tu hue kasidari, is phool se main bahut khush hoon ki isse kisi ki khushbu aa rahi hai. Yahan par Salman Ahmed sahab जो हकीकी भतीजे हैं सादिक हैं के हमारी महफिल में हैं और बड़ा काम किया है कि 10 साल पहले जो फाउंडेशन की है मैं आपको सलाम करता हूं. इस वजह से मैं अपनी और इस महफिल में बरादरान रियाज नियाजी और हम जानते हैं कि सरफराज नियाजी ये नियाज फतेहपुरी के गुलिस्तान के दो फूल ये फर्जंदानों ने भी हमारे उर्दू अदब को बहुत कुछ निखारा है. उनकी मसीबें हैं और ये जो काम है उसका प्रोफेसर नकवी साहब के आपने जज्बात सुने, ये वही खानदान के उसी कबीले के फर्द हैं. एक कोटेशन देना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ वो ये है कि ये उर्दू इंस्टीट्यूट का ये उर्दू मुजाहिद जो हमारे दरमियान है अमीर हैदर, मैं पूरी दुनिया में फिरता रहता हूँ और मुख्तलिफ जगहों पर बात करता हूँ, लेकिन आमतौर से मैं उस शख्स के सामने बात नहीं करता, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि 5 बजे मेरी फ्लाइट एयरपोर्ट की तरफ जाना है मुझे. ये उर्दू इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, बेलौस खिदमत कर रहा है, लेकिन उर्दू की सिर्फ चाहत की जरूरत नहीं है, दामे दरहमे सुखने इस शख्स की भी कदर की जाए और उर्दू इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर हैं उसको भी आगे बढ़ाया जाए. आपने देखा कि नाते मुबारक नाते मकबूल हमारी दुनिया की मशहूर तरीन उम्मे हबीबा साहिबा ने पढ़ा. मैं फारसी जानता हूँ कुछ, एक चीज अर्ज कर रहा हूँ कि इस यानी ना खान साहिबा में मौजूद है वो ये है कि जब ये अरबी के फिक्रे करती है, जब ये फारसी की नात कहती है, जब ये उर्दू तो तलफ्फुज और उसकी जो नर्मगी और उसका जो दर्द है अपनी लय में लेकर पेश करती हैं, ये एक बहुत बड़ा हुनर है जिसको हम सलाम करते हैं आपको कि आपने किया. मुझे कहा गया है कि मैं कीनोट स्पीकर रहूं, अलबत्ते ये अर्ज करूं कि आज से कोई 21 साल पहले सलमान साहब से मैं कह रहा था कि मैंने कुछ काम रुबाइयात सादिक हैं पर किया और फिर राइटर्स की आदत है कि बास चीजें अलमारी में रख दी जाती हैं, उस तरफ फिर तवज्जो नहीं हुई. आज कीनोट स्पीकिंग की मतलब यह है कि आमी और आलिम दोनों को इस्तेफादा हो. तो अगर मेरी इस गुफ्तगू से कोई एक शख्स भी कहे कि मुझे कोई नई चीज हासिल नहीं हुई तो मेरा हल्का पूरा बेकार. यह मसाया रखते हुए भी मेरे पास वक्त की महदूदियात है तो फौरन शख्सियत का 3 मिनट बात करते हैं. अभी आपने सुना 57 साल उम्र, 20 साल हिंद में गुजारे, आखिरी उम्र अमरोहे में पैदा हुए, पाकिस्तान कराची में दफन. ऐसी अजीम शख्सियत जो उस खानदान से ताल्लुक रखती है जिसमें खत्ताती खुशनवीसी थी, इनके वालिद सिप्तैन अहमद खुद बहुत उम्दा एक खुशनवीस थे. और एक जगह मैंने पढ़ा था कि इस खानदान में 7 से ज्यादा कुरान मजीद के नुस्खे मौजूद थे. उसकी तरफ कोशिश की जाए कि वो नुस्खे कहाँ हैं. इसके अलावा ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइमरी तालीम अमरोहे में हुई, बीए आगरे से किया, फिर अमरोहा पलट कर ड्राइंग टीचर रहे और उसके बाद हिजरत की पाकिस्तान की तरफ. और पाकिस्तान में पहले जो फर्टिलाइजर कंपनीज उसके बाद बैंक वगैरह में थोड़ी मुद्दत के लिए. अभी सादिक हैं ये अजीम शख्स गुमनाम
अभी कोई नहीं जानता, यहां तक कि घर वाले भी नहीं जानते कि ये क्या लीजेंड है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर पैदा। सादिक खैमे की जो पर्सनालिटी है, तीन चीजें इस लीजेंड की, एक है मुसव्वरी, एक है खत्ताती, और एक है जिस पर ज्यादा अहमियत नहीं दी गई लेकिन मेरी नजर में सबसे अहम वो भी चीज हो सकती है, वो है शायरी। ये जो आप स्केचेस, ये जो म्यूरल्स, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इसका सर्कट पूरी दुनिया में है। ये बॉडी लैंग्वेज है, इसके लिए उर्दू जानने की जरूरत नहीं होती, ये हर एक से बात करते हैं। तो इसी स्टेज पर, मुसव्वरी के स्टेज पर सादिक हैं, इंटरनेशनल इस लिहाज से है कि पूरी ज़बानें, पूरी कौमें सादिक हैं को जानती हैं। दूसरा स्केच जो इससे छोटा सा है वो है इस तरह, अरबी में आप देख रहे हैं कि कुरान मजीद की खत्ताती किसी शख्स ने इतनी ज्यादा नहीं की। हमारे पास लोग तहकीक, मैं तहकीक का ताब है, तहकीक में वो चीज देखी जाती है जो मौजूद है। अभी जिसका जिक्र हुआ सूरह रहमान, जिसमें 78 आयतें हैं, जिसमें 31 मरतबा फबाइया अला रब रब्बिकुमा तकज्जुकस से वहां की जो तकरार है 37 बार 31 बार सादिक हैं ने अलग लिख कर यह बताया अरब वर्ल्ड को भी, मुस्लिम वर्ल्ड को भी, जो एक छोटा सा दूसरा हल्का है, कि हमारे पास एक ऐसा आर्टिस्ट है जो नस और नस्तालीख के दरमियान एक अपना दूसरा एक पैटर्न देता है। इससे पहले ये पैटर्न, इससे पहले ये खत्ताती नहीं। मैं इसको तेरे से इस वजह से जा रहा हूं, मुझे बात करना है उनकी रुबाइयात पर है। ये तो हुआ दूसरा सर्कल, उससे जो छोटा सर्कल है जिसका हमसे ताल्लुक है वो है उर्दू की रुबाइयात। जिस तरह हमने उसने यूसुफ को बाजार मिस्र में पेश नहीं किया, जब फिर जरार जैसा शख्स कयान सिर्फ एक रुख होने के बावजूद पूरी दुनिया में कयान की रुबाइयात को क्वार्टर की शक्ल में पेश कर सकता है, तो हमको क्या हो गया है? क्या इस पूरी कौम में एक फ्रेश जरॉर्ड पैदा नहीं हो सकता जो ये करे कि सादिक हैं की रुबाइयात को दूसरी जबानों में तर्जमा कर कर पेश करे? सादिक हैं ने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, आशिक के लिए रंजो अलम रखे हैं, शाहों के लिए ताजो अलम रखे हैं, मेरे लिए क्या चीज है पूछा मैंने, आई ये सदा लौहो कलम रखे। इस लौहो कलम से मुसव्वरी की, इस लौहो कलम से खत्ताती की, इस लौहो कलम से रुबाइयात निगारी की, यह है सादिक हैं। तो आप जानते हैं कि जब लोगों ने देखा कि यह सूरज शुरू हो रहा है, तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कभी तमगा इम्तियाज, कभी तमगा उसने कारकर्दगी, कभी फ्रांस की तरफ से अवार्ड मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड तो अवामी अवार्ड था जो दिल से सादिक हैं को दे रहे थे। इस वजह से कि सादिक हैं इतनी ऊंची पर्सनालिटी रखता हुआ भी इतना खाकसार शख्स था, इतना इज्जो इंकसारी का मुजस्मा था कि जो आदमी उससे बात करता, जो शख्स उसके बात करता, वो उसकी नेचर, उसकी फितरत, उसकी आदत से मरबूब हो जाता। तो इसी वजह से पूरी दुनिया में दौलत को ठुकराने वाला अगर कोई ऐसा शख्स है जो मल्टी मिलियनर हो सकता था, तो उसका नाम सादिक हैं अहमद नकवी है। अर्ज ये कर रहा हूं, सादिक हैं ने अपने आर्ट से शादी की थी। जब दिल्ली में एक इंटरव्यू में कौंसल साहब जब पूछा गया कि आपके कितने बच्चे हैं, तो फिर बदी ही एक रुबाई सुनिए, वो मतले हस्ती पे हवेदा न हुई मैं उस पे फिदा, मुझ पे वो शैदा न हुई, मैं साहेब औलाद भी हो सकता था, औलाद की वालदा ही पैदा न हुई। इस तरह से जवाब, इस वजह से कि औलाद की वालदा तो औलाद तो थी।
अंदाजा यह है, अभी आपने सुना कि तकरीबन 15,000 के करीब सिर्फ ये पेंटिंग्स हैं, स्केचेस की बात नहीं हो रही। उसी तरीके से कहा गया है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि 6,000 तक रुबाइयात उन्होंने कही है, लेकिन तहकीक का तालबेल उन चीजों को लेता है। मेरी अपनी दानिश में 1100 के करीब, इस वक्त हमारे करीब 1100 के करीब सादे खान की रुबाइयात हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूं, फन का कमाल बचपने से। तो मैं ज्यादा रुबाइयात इस वजह से सुनाऊंगा, मुझे वक्त दिया गया है इस वक्त में मैं आपको। तो कब लिखनी शुरू की? बचपन में, वो सादे खान कह रहे हैं रुबाई से, बचपन में तुझे याद किया था मैंने, जब शेर का कब लफ्ज सुना था मैंने, इस पर नहीं मौकूफ रुबाई तुझको, हर रोज ही तख्ती पे लिखा था मैंने बचपने से। और एक जगह कहते हैं ये वो शायर जो 17 साल की उम्र में साहिब दीवान हो गए, ये वो शायर जिसने अपने दीवान को बाद में शाया किया जुज़े बोसिदा के नाम से, शब मेरी थी शाम मेरी दिन था मेरा, आया हुआ खुद मुझ पे ही जिन था मेरा, कितनी ही रुबाइयां थी लिखकर फाड़ी, 18 बरस का जब के सिन था मेरा। मैं सलाम करता हूं साथ में एक उर्दू का तालिबे होने की वजह से, मैं हमेशा कहते रहता हूं कि मैं सेहत का तबीब, अदब का मरीज और उर्दू का वकील, इस वजह से सलाम कर रहा हूं। वो फन, अब ये पता नहीं कुछ फन क्या है, फन है तफरीह हो इख्तरा हो इज्जा, ये फन है। ये तीनों चीजों को देखिए, मैं रुबाई के बारे में बात कर रहा हूं, वो आप देख रहे हैं, ये खत्ताती देख रहे हैं, मुसव्विरी देख रहे हैं। फन है तफरीह हो इख्तरा हो इज्जा, नकलो तखलीस से मैं हूं यूं आजाद, खत्ताती में शायर मैं न शायरी में नक्काशी में, आप अपना हूं शागिर्द खुद अपना उस्ताद। ये इस वजह से मैं बता रहा हूं, ये जो खत्ताती आप देख रहे हैं इन पे ये उलमा बात करेंगे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन खत्ताती पर मैंने थोड़ा सा काम किया। हमारे पास जो खत है उसको नस्तारिख कहते हैं, अरबी के जो खतूत खत हैं उसमें एक नस्ख है एक तारीख है, नस्ख और तारीख को मिलाकर आज से 700-600 साल पहले नस्तारिख बनाया गया, लेकिन ये खत नस्तारिख नहीं है, ये खत ईजाद है, इसका कुछ नाम दिया जाए। आपसे मैं पूछूंगा कितने फूल हैं तो आप मुझे 100 फूल के नाम गिना देंगे, ले चलता हूँ आपको जंगल में, हर चीज बताता हूँ ये क्या है, मैं पूछता हूँ इसका नाम क्या है, आप कहेंगे नाम नहीं है इसका, नाम फूल है। हजारों फूल ऐसे हैं जिनके नाम नहीं है हजारों। उसी तरीके से ये जो क्या किया सादे खैन ने नस्तालीख में ईजाद किया, कहीं पर हर्फ कामिल, जहां पर असातिज़ा ने कहा था कि हर्फ का शोशा लो, हर्फ कामिल लिखा, कहां कहीं पर अगर कहा गया था कि शोशा इस तरह से लिखा जाए उसको दूसरी तरीके से लिखा, यानी ईजाद किया काम। तो इस खत्ताती के फन को एक नाम दिया जाए जिसका नाम सादे खैन की खत्ताती हो, इसकी बात नहीं है कि नस्तालीख हो। तो इसको कहते हैं इख्तरा मौजूद, खुद कहते हैं एक बार मैं शायरी भी करके देखूं क्या फर्क है, शायरी भी कर देखूं, तस्वीरों में अशआर कहे हैं मैंने, शेरों में मुसव्विरी भी कर देखूं, शेरों में मुसव्विरी भी कर देखूं, ऐसी रुबाइयात हैं। मैं रुबाई का तालिबे इल्म हूं, मैं समझता हूं उर्दू अदब में सबसे ज्यादा रुबाइयात पर किताब इस हकीर में लिखी है, मुझे मालूम है रुबाई कितना सख्त है। कहते हैं 40 बरस का सिन होता है, असातिज़ा ने रुबाई कहकर अपने आप की उस्तादी को मनवाया है। कहते हैं नस्तालीख और नस्ख के खम दोनों को लौहों पे मिलाया है, बहम दोनों को खत्ताती में यूं एक किया है मैंने, ऐ दोस्त अरब और अजम दोनों को। काश के अरब और अजम सिर्फ खत्ताती नहीं है, दुनिया में भी एक हो जाते आपके, जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं हुस्न की जिस अंजुमन नाज में हूं, जो कुछ भी हूं खुद अपने ही अंदाज में हूं,
के शायर के मुसव्विर के सिवा मैं और बहुत कुछ हूं मगर रास में मैं और बहुत कुछ हूं। ये एक मिसरा क्योंकि मैंने पूरी मुतालिया किया है कि रुबाइयात का सादिखैन की सादिखैन तालीम नहीं करता। सादिखैन तो खाकसारी का मुजस्समा है जो ये कह रहा है कि आईएस के मैं और भी कुछ हूं मगर राज में हूं। उस राज को खोलना नई जनरेशन का काम है। मुझे अफसोस होता है कौन सा जनरल साहब, मुझे अफसोस होता है कि सादिखैन की महफिलें क्यों हर जगह नहीं हो रही, सादिखैन की महफिलों में क्यों नौजवान नहीं आ रहे, क्यों हम इस अमानत को अपने आइंदा नस्ल पर ट्रांसफर या मुंतकिल नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा कि ये सादिखैन जो 15 साल की उम्र में साहिब दीवान हो चुका, जिसने नज़्में भी लिखी, ग़ज़लें भी लिखी, ख़तात भी लिखे, रुबाइयात भी लिखे, मर्सिया भी लिखा, जो पहले सिद्क तख़ल्लुस करता था बाद में उसने सादिखैन तख़ल्लुस किया, वो जिसने मुसव्विरी के मैदान में तो इंटरनेशनल नाम कर दिया, लेकिन सादिखैन भोले भाले थे। सादिखैन ये नहीं जानते थे कि ये उर्दू के जो शोरा हैं ये दरिंदे हैं। उसमें आकर कहने लगे कि मैं तो शायर नहीं, मुझे तो शायरी करना नहीं आता। वो नहीं समझ रहे थे कि यहां पर दरिंदे बैठे हुए हैं, इन्हीं अल्फाजों से उनकी शायरी पर हमला करेंगे। तो ये बताया कि जो है आपके कहते हैं कुदरत ने बनाया है मुसव्विर ए दोस्त, और साथ में खुश कती का माहिर ए दोस्त। मैं महफिले महवशा में, महफिले महवशा में, क्या बात, मैं महफिले महवशा में लेकिन अक्सर कुछ देर को हो जाता हूं शायर ए दोस्त। नहीं, कुछ देर को नहीं होते। गालिब के पास सिर्फ 16 रुबाइयात में उर्दू में, गालिब 131 रुबाइयात फारसी में, हमारे पास जो अब आ रहा हूं उस पॉइंट पर। सादिखैन ने कहा जी मैं उस बरस पर सिर्फ रुबाइयात लिखा हूं, ऐसा नहीं। सादिखैन ने हमदिया रुबाइयात लिखी, सादिखैन ने नातिया रुबाइयात लिखी, सादिखैन ने मनसबती रुबाइयात लिखी, सादिखैन ने तसव्वुफी रुबाइयात लिखी, सादिखैन ने समाजी रुबाइयात लिखी, सादिखैन ने फलसफी रुबाइयात लिखी है। सादिखैन ने ये पूरे आपको पूरे एतमाद से कह रहा हूं, सादिखैन ने हुस्न परस्ती पर गुजरी हुई लिखी, उसी को मैं पेश करूंगा। अगरचे हुस्न परस्ती की जो रुबाइयात हैं उसके सरती हमारे जोश मलियाबादी हैं, और जोश मलियाबादी के साथ हमारे पास फिराक है, फिराक के साथ हमारे पास गोपाल महकूम है, गोपाल महकूम के साथ हम जानते हैं कि कुछ और शोरा होते हैं जिसमें शमसुर रहमान फारूखी भी शामिल है जिन्होंने हुस्न पर लिखा है। तो लिखते हैं, सुनिए, मैंने कहा था कि मेरी गुफ्तगू सिर्फ रुबाइयात पर होगी। कहते हैं कि ये जो खयाम की रुबाइयात है इसको याकूत ने बड़े खूबसूरती से इसको खत्ताती में लिखा था जो दुनिया भर में मारूफ हुई। तमाम किंग्स, तमाम शहंशाह अपने दरबार में रखते थे। तो कहते हैं कि इसको प्रूफ शो कहा, जब पाए तकबीर को पहुंचा कल शाम, दिल में ये कहा मैंने उठाकर एक जान, मंसूब मेरा माहे गुज़श्ता का ये काम, खयाम के याकूत के मानी के है नाम। यानी खयाम की रुबाइयात को अगर याकूत ने खुशखती से लिखा, खयाम की रुबाइयात को अगर स्केच में मानी ने बनाया, तो मैं ये तीनों काम सादिखैन खुद करूंगा, रुबाई खुद कहूंगा, खुशखती खुद करूंगा, उसकी मुसव्वरी खुद करूंगा। तो ग्रुप शो नहीं, वन मैन शो करके दुनिया को बताऊंगा। तो कमाल है, यह है सादिखैन, यह है अजमत एक फन का। कहते हैं, मैंने कहा था ना 40वां साल होता है तो शायद रुबाई कह सकता है। रूठा जो जमाल है मनाया मैंने, एक जश्न मिसाल है मनाया मैंने, इस उम्र अजीज का रुबाई कहकर 40वां साल है मनाया मैंने। 18 साल से 15 साल से वो कह रहा है। तो अब ये रंगों में, ये हुदूद में, रंगों के हुदूद में दिखाऊंगा वो शय। क्या शय? What is that? What he wants to show it? रंगों के हुदूद में दिखाऊंगा वो शय
खाकों के खयूद में दिखाऊंगा वो शय, जो कुछ के अदम में देखता हूं मैं आज, कल तुमको वजूद में दिखाऊंगा। आज हम उसको मौजूद शक्ल में देख रहे हैं, आज हम वो जो चीजें जहन में थी। देखिए नजर को तराशों की जिनको मिली है, चट्टानों के अंदर सनम देते जहन में जो फिगर है उसको डालते हैं आपके कागज पर, तो ये कह रहा है कि ये अदम में, ये मेरे ख्याल में, ये मेरे शूर में, ये मेरे तहते शूर में, ये मेरे नाशूर में जो स्केचेस हैं, जो खाके हैं, जो कमाल है, जैसे वो बेहती है जिसमें आप देख रहे हैं कि वक्त को क्या बताया गया है, जो कुछ के अदम में देखता हूं मैं आज, कल तुमको वजूद में दिखाऊंगा वो शय। तो आज उन्होंने हमको ये चीज दिखाई है, इसी वजह से ये कहते हैं कि ये लड़कियां, ये महबशें, ये सिंफ नाजुक, ये हमारे कल्चर की यूं समझिए कि बहार और खुशबू इनको घेरे रहती थी। इस वजह से घेरे रहती थी कि खवातीन चाहती थी इसके जिनका भी बन जाए, वो कहते हैं रुबाई जो मैंने लिखनी शुरू की, कहते हैं मैं फलसफे वलसफे में नहीं लिखा, मैं सिर्फ उस बरसती पर लिखता हूं, लेकिन मैं अर्ज कर चुका हूं वो उनकी खाकसारी है। कहते हैं कब हयत दो जहां पे लिखते हम हैं, कब सूरत नामकां पे लिखते हम हैं, ये जो रुबाइयां हैं हमारी ऐ दोस्त, फरमाइश महबशा पे लिखते हम हैं, फरमाइश महबशा पे लिखते हम हैं, या एक जगह कहते हैं हम हुस्न परस्ती के खरीनों के लिए हो जाते हैं मोतकफ, महीनों के लिए तस्वीर बनाते हैं खुद अपनी खातिर, और शायरी करते हैं हसीनों के लिए, और शायरी करते हैं हसीनों के लिए, या एक जगह कहते हैं कि हर हर्फ में महबारों के खत बनते हैं, लोहों पे वो एक हुस्न की हद बनते हैं, काकुल के ख्याल ही में लिखता हूं मैं नाम, अबरू के तसव्वुर में मद बनते हैं। तो जब मैं एक मद बनाता हूं जो अलीफ पर लिखा जाता है, तो वो मैं अबरू के तसव्वुर में बनाता हूं, जब मैं किसी जुल्फ के तसव्वुर में रहता हूं तो उस नाम को आपके जो है लंबा कर देता हूं। तो ये जो कमाल है, इन नरगिसी आंखों की चमक तो देखो, लट बालों की गालों की दमक तो देखो, सूरत के हैं सोने पे सफागा गोया, इस सांवले मुखड़े का नमक तो देखो, इस सांवले। तो आप देख रहे हैं रुबाइयां पढ़िए, सर धुनिए, मैं तो आपको दरिया का पानी पूरा सींच के नहीं पिला सकता, मैं तो सिर्फ सागर में कुछ पानी दे रहा हूं। आपको चाहिए 1100 रुबाइयां पढ़िए, तकियाबंदी की किताब का भी इंतजार कीजिए जिसमें मैं तजिया कर रहा हूं, आप जानते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये ऐसी शख्सियत है जो मुसव्विर भी है, जो खत्तात भी है, जो अजीम शायर है, ऐसा अजीम शायर है जिसने रुबाई के हुनर को पूरी तरीके से, वह तो कहते हैं ये फलसफे फलसफे का दफ्तर क्या है, माँ बाप तबीयत का चक्कर क्या है, इस आलम मौजूद में आखिर यारो जुल्फो लब रुखसार से बढ़कर क्या है, जुल्फो लब रुखसार से बढ़कर क्या है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था क्योंकि कीनोट स्पीकिंग है, तो उस शख्सियत की दूसरी चीजों पर सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर देखिए यह सच है कि बहुत कम उम्र पाई, 57 साल उम्र उम्र नहीं होती मखसूसन, लेकिन इस शख्स ने, आपने अभी मैं बैठा हुआ ये डॉक्यूमेंट्री जो डॉक्टर हमारे सलमान अहमद साहब ने आपके जो है दिखाई है, वह मैं देख रहा था, विद इन 2 मिनट्स ही मेक ए पेंटिंग, मैंने पूरा आपके लिए उसका वक्त मैं देख रहा था 2-2.5 मिनट्स। तो जो 10 जहन की के पूरे जंगलिस्तान से उस स्केच को निकाल कर खरताज पर उस कलम से पेश करते 2-2.5 मिनट में, ये खुदादार चीज होती है, ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा,
इसादत पसुदे पासुनीस, ये इंसान की आपके जो है, तो इस चीजों को जो आगे बढ़ाया है, तो ये जो सूरह रहमान की, ये जो सूरह यासीन को, सूरह यासीन को 280 फीट पर लिखा और हर आयत को अलग अलग तरीके से बनाया, रंग भरे। सूरह रहमान की जो अभी मैं कह रहा था कि आयत को 31 बार दोहराया, एक खातून ने लाकर एक सौगात दिया, खुद लिखते हैं, मैंने देखा ये हमारे और उसके आखिरी सफे में मैंने कहा बताओ सर, तो देखा कि अल्लाह के इस्माए हसना, इस्माए हसना बस काफी था तख्लीक का। अब ये 99 नाम जो अल्लाह के हैं उसको जिस तरीके से लिखा है, चाहिए देखिए आपको सिर्फ 15 दिन के लिए 1982 में आए इंडिया, तो रह गए कुछ महीने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ऐसी खूबसूरत आयत इल्म के लिए लिखी, हैदराबाद दक्कन में उर्दू घर में इतना खूबसूरत मुरल 30 फीट का तैयार किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि वो पुराना हिंदुस्तान का वो विजन जो है आचार्य विजन उसको पेश किया, इस्लामिक स्टडी दिल्ली में अस्माए हसना को लिखा, क्या क्या काम किया, यानी ये शख्स इसी वजह से कहते हैं उंगलियां टेढ़ी हो गई थी, उंगलियों से रोटी तोड़ नहीं सकते थे, रुबाई देखिए दिन रात हो जब शाम या उठती है कितनी कन्नी मेरे हाथों से नहीं छूटती है, फिर काम से दुख जाता है इतना मेरा हाथ, रोटी को जो तोड़ू तो नहीं छूटती, कुरान लिख रहा है। अब आते हैं उस चीज पर, फन की चल रही है रेड़ी यारब, सत्रे लिखता हूं टेढ़ी मेढ़ी यारब, कुरान की आयत को लिखते लिखते अब उंगलियां हो चुकी हैं टेढ़ी यारब, आप कौन होते हैं अगर वो थोड़ा सा नशा करता है जिसके बारे में आप फतवा सादर करते हैं, खुद रुबाई ने कहा है पीता हूं, ये इस बात पे लड़ता क्यों है, आखिर रहे मारिफत में अड़ता क्यों है, मौला से मामला है मेरा जाती, मुफ्ती से कहो बीच में पड़ता क्यों है, रहमान रहीम है, चार जुमले आप किसी से सादे फैन से पूछ ले, दूसरे जुमले के बाद वही बात सावर की आती है मैं की आती है, जैसे कि इस नाबालिग रोजगार वैसे देयर इज नो लेगेसी फॉर हिम, ही इज द मोस्ट आपके इंटेलिजेंट नाबालिग रोजगार पर्सन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, हुस्न देखे मुसब्बरी देखे खत्ताती देखे शायरी देखे, किस्से सुनाते हैं हमको, एक साहब सुना रहे थे मैंने कहा बस कुछ और भी तो सुनाइए ज़ेबे दास्तां के लिए, क्या मैं सुनाता हूं फिर आपको ज़ेबे दास्तां, मौला से मामला है मेरा जाती, मुफ्ती से कहो बीच में पड़ता क्यों, आप देख रहे हैं वो शख्स जिसने बहजात की लाज रखी, जिसने हाफिज की लाज रखी, जिसने कयादी की लाज रखी, जिसने शायरी की लाज रखी, जिसने अखलाक की लाज रखी, जिसने इंकसारी की लाज रखी, जिसने ताजों को ठुकरा दिया, जिसने पैसे जमा करने के लिए कभी फिक्र न की, उसने जिसने हमारे इस मेरिट्स को दुनिया के सामने पेश किया, अगर उसको हम सलाम ना करें तो क्या है? उसको देना है, छोड़ छोड़ के पढ़ रहा हूं, दो तीन मिनट में खत्म कर दूंगा, आइए दुनिया के फलसफा जो था इसका, ये कहते हैं कि मैं फलसफा नहीं करता था, बहुत फलसफा, आप जाइए मास्को में देखिए गैलरी ऑफ मास्को में इनकी एक पेंटिंग, मैं अभी सलमान अहमद साहब से कह रहा था देयर इज अ पेंटिंग इन मास्को गैलरी, दुनिया तबाह हो चुकी है, पूरे खंडेर है, ये लंबी लंबी इमारतें पूरी तरह गिरी हुई है, उस पर एक बच्चा बैठा हुआ जिसके लबों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट है, क्या बता रहा है साहब,
सादत ने क्या बता रहा है कि इंसान का फ्यूचर इज गारंटेड, इंसान का फ्यूचर तबाही नहीं है, ये तबाही की मंजिलें आएंगी, ये इन्हदाम होते रहेंगे, लेकिन इंसान का जो जो पुराने मजीद का जो वादा है कि इंसान आखिर में पूरी तरीके से कामयाब होगा, इंसान का मुस्तकबिल रोशन है, तो सादिकैन यही बता रहे हैं। एक बात बड़ी खूबसूरत उन्होंने रुबाई में कही, मेरे पास वक्त नहीं है, सादिकैन कहते हैं कि इंसान का पैदाइशी हक यह है, इसी वजह से तो खुदकशी जो है बगैर किसी मसले के हराम। हम जो इस दुनिया में आए हैं, तकी आबेदी जो इस दुनिया में आया है, one in trillion and trillion and trillion possibility that I am standing in front of you. हम जो हर शख्स जो दुनिया में आया, my physician, I work to this world job. बताने की कोशिश कर रहा हूं मदर से कि जो प्रोडक्शन है तौलीद का, तो उसमें हम वन इन ट्रिलियन है, अगर चेक माँ जो है ज्यादा से ज्यादा 60-70 बच्चे जो है दुनिया में अगर दिया जाए तो ला सकती है, लेकिन मर्द तो बिलियंस ला सकते, तो उसकी जो है कहते हैं कि हम जो दुनिया में आए हैं उसकी जरूरत यह है कि खुदा का शुक्र इस तरह से किया जाए कि हम बेहुद नहीं आए, हम यहां पर किसी काम के लिए आए हैं, तो इसी खर्च को चुकाने के लिए मैं ये दिन रात मुसफरी, खत्ताती और शायरी करता हूं। और एक शख्स ने जब पूछा तो फैज का मिसरा पढ़ दिया, वो जो खर्च रखते थे जान पर वो हिसाब हमने चुका दिया, काश कि हमको भी वो सादत हो। हाँ, सादिकैन की जिंदगी मुश्किल में गुजरी, सादिकैन की जो पेंटिंग्स आप पढ़ेंगे, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस वन, मगर मैंने जो किताबों में पढ़ा है वो ये है, उनके सीरीज हैं, एक तो कैक्टस सीरीज है, यानी ये जो दरख्त है बगैर पानी बगैर आपके गर्मा में जंगलों में जो उगता है, ये बड़ी अपनी नशोनुमा पाता है मुश्किलों में, इसको कहते हैं, इसके हर जगह आप देखेंगे स्केचेस, ये इसको जो है ये कैक्टस से आपके जो है सीरीज है। दूसरे जो है कैंसर सीरीज है, कैंसर सीरीज हमारे जामे में जो इंसानी खतरों को तोड़ने की, इंसानी खतरों को जलाने की जो नेगेटिव फोर्स है उसको जाहिर किया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जाहिर की है वो करप्शन जाहिर किया है, वो है कैंसर सीरीज। और तीसरी जो है उनके पास जो अहम है वो है क्रॉस सीरीज, जिसमें उन्होंने ये मुनाफिकत और ये दहशतगरी, ये जो सामने खुशामदी और पीछे से खंजर मारने की जो स्पिरिट है लोगों में उसको जाहिर किया है। और चौथी जो जाहिर किया है वो शहादत की सरमद सीरीज है, यानी आप देख रहे हैं कि बाज स्केच में आपने देखा कि खुद सादिकैन अपना सर लिए हुए जो कटा हुआ सर है उससे खून टपक रहा है, ये सरमद सीरीज है। इनका मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट द गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो इकबाल ने कहा आदमियत एहतराम आदमी, बाखरबश व अजमुखाम आदमी, इंसानियत यह है कि दूसरे इंसान का एहतराम किया जाए। एक जगह और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बरतरस गर्दो मुखाम आदमस, बरतरस गर्दो मुखाम आदमस, कहकशानों से ऊंचा जो है इंसान का मुकाम है, असल तहजीब एहतराम आदमस। You cannot control any world. A country can call civilized how they are treating the minorities. Yeah, आप जानते हैं, तो इसी वजह से तीन अजीम शायरों के उन्होंने स्केचेस बनाए। आप जानते हैं कि 1769 में गालिब का इंतकाल हुआ, तो उनकी 100 साल बरसी पर आप जानते हैं कि गालिब पर उन्होंने 50 तस्वीर बनाई और गालिब के अशार को तस्वीर में आपके जो है तफसीर की। दूसरा अल्लामा इकबाल, तीसरा अल्लामा इकबाल की 100 सालगिरह, और तीसरा जो चीज की वो क्या थी, तीसरी जो चीज थी वो 60 साल फैज की सालगिरह पर मैंने अपनी फैज पेपी में आज से 7 साल पहले हर सफे पर वाटर स्केच जो रखा वो आप जानते हैं भाई के जो है वो इन्हीं का था जो सादिकैन ने बनाया था। तो कहने का मतलब यह है कि सादिकैन ने बड़े शायरों की भी बहुत कदर की है, सादिकैन ने अखलाक और फलसफे की भी गुफ्तगू की है, सादिकैन ने गालिब इकबाल और फैज पर भी स्केच किया है। सादिकैन कब तक बताऊं कि हर चीज क्या क्या चीज है, यह है कि हम लोग इंसान हैं,
सादिक खान किसी मजहब का पेशवा नहीं था, तो उसको उसी तरीके से देखा जाए जिस तरीके से हर शख्स से वो चीजें सरजद हो सकती हैं। और उनकी जो पेंटिंग्स हैं, इस वक्त दो मिनट से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा फर्ज बनता है, जो हम अपने हीरोज को जिंदा नहीं रखते वो भी जिंदा नहीं रहते। इट इज ए ड्यूटी ऑफ अस टू कन्वे दिस मैसेज। हजारों से पेंटिंग है जो है, एक शख्स काम कर रहा है फाउंडेशन के नाम पर। मैं सलाम करता हूं ये नियाजी, आपके जो है रियाज नियाजी यहां बैठे हुए हैं, वो हैज सेव्ड दिस सो मेनी स्केचेस। हर एक स्केच आपके लिए जो है, वी कैन मेक इन मिलियंस आपके थे, बट एक स्केच अगर सादिक खान का लॉस हो जाए तो वी कैन नॉट रिप्लेस इट। तो सलाम उन लोगों जिन्होंने सादिक खान के जो है पेंटिंग्स को, स्केचेस को, खयाती को, रुबाइयात को हिफ्ज किया है। सलाम उन पर भी है जिन लोगों ने फाउंडेशन बनाकर अपने पूरी जिंदगी के चीजों को निछावर कर इस पुराशो दौर में ये काम किया है। क्या क्या बात करूं कौंसल साहब, वक्त नहीं है, सिर्फ यही कहता हूं कि तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के होते 50,000 आप जिंदा रहें, और मेरी तल कोई को अपनी बुजुर्गवारी पर आपके माफ कर दें, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उर्दू का अदब का मरीज हूं, तो मरीज तो चीखता ही करता, लेकिन मैं उर्दू का वकील हूं, वो वकालत मैंने की है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।